नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेटरल एंट्री के बारे में। जो भी स्टूडेंट आपने अगर 12th किया हो या फिर आपने 10th प्लस ITI किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस लेटरल एंट्री के फॉर्म को भर सकते हैं। आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका लेटरल एंट्री का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि JCCB की तरफ से आपका एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, यानी एक इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब एक सांकेतिक सूचना होती है, मतलब कि बस ये बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस दिन से भरा सकता है, ठीक है, भराया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें कुछ कुछ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है, चेंजिंग हो सकता है। बस इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका क्या एलिजिबिलिटी होता है लेटरल एंट्री के फॉर्म को भरने के लिए, क्या आपका सिलेबस होगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए, आपका एग्जामिनेशन कब होगा, किस डेट तक हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। आगे बढ़ते हैं इस पूरी वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि JCCB का ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, 22 तारीख की डेट में लेटरल एंट्री के लिए एक सांकेतिक सूचना जारी की गई है, इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश, ठीक है, लेटरल एंट्री। जो भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री क्या होता है ये भी बता देते हैं। लेटरल एंट्री वैसा होता है जिसमें झारखंड पॉलिटेक्निक में ही जो स्टूडेंट 2022 में एडमिशन लिए ना, जो 10th पास करके, उनके साथ आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर में, यानी आपका इनका अगर 3 साल का डिप्लोमा होगा ना, 3 साल का, 2022 में जो एडमिशन लिया है 10th पास करके, उनका जो होगा 3 साल का अगर डिप्लोमा होगा ना तो आपका 2 साल का होगा। आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में, जो अगर वो लोग फर्स्ट सेकंड पढ़ लेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड यानी 6 सेमेस्टर इन लोग का होगा तो आपका मात्र 4 सेमेस्टर ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है। आप डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एंट्री लेते हो, ठीक है, ये होता है लेटरल एंट्री, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है डिप्लोमा लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए, कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे दिनांक, ठीक है, यहाँ पे झारखंड राज्य स्थित सरकारी गैर सरकारी एवं PPP मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो आपका टूल रूम है, फिर आपका दुमका सेंटर में एक टूल रूम है, उन सभी में एडमिशन के लिए आपको ये डी सेकेंड ईयर में एडमिशन यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आपको DE CE लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, ठीक है, जो कि आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट 2022 में एडमिशन लिए थे उनके साथ आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप चाहे आप एडमिशन कहाँ का ले सकते हो, आप सरकारी में भी ले सकते हो, गैर सरकारी यानी प्राइवेट में भी ले सकते हो, ठीक है। PPP मोड मतलब आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ओके। सेमी गवर्नमेंट मतलब कि जो भी कॉलेज को सरकार बिल्डिंग बना के दे दी, अब वो प्राइवेट को दे दिया, प्राइवेट उस तरह से चला रहा है और टैक्स सरकार को भर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि तृतीय सेमेस्टर द्वितीय वर्ष, ठीक है, 2022-23 के सेशन में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए थे उनके साथ आपको नामांकन मिलेगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, ओके। अब कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कहाँ के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, झारखंड के भर सकते हैं या बिहार के भर सकते हैं, तो या किसी भी स्टेट से भर सकते हैं क्या, नहीं, किसी भी स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट बिलोंग नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्म को नहीं भर सकते, बस झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके पास आपका रेसिडेंशियल, ठीक है, रेसिडेंशियल यहाँ के हैं, स्थायी निवासी यहाँ के हैं या स्थानीय हैं यहाँ के, तो उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल फॉर्म, जिनके पास आवासीय जातीय है, आवासीय जातीय है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और कंडक्ट का 2 में अंकित शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे एक 2 नंबर का आपका लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, उसमें अगर आप आते हैं तो
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मतलब जो भी इस फॉर्म के लिए डी ई सी ई लेटरल एंटर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होता है, यानी कि आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, उसको आप अगर धारित करते हैं यानी उसको आप परफॉर्म करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वो आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, ऑनलाइन ही सारा कुछ होगा ये। ठीक है, कौन से वेबसाइट पे करना है, इस वाले वेबसाइट पे, यहाँ से यहाँ तक मैं आपका सारा कुछ भरने का तरीका बताया हुआ है। इसको आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे इसका बारे में, जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि किस तरह से डिप्लोमा लेटरल एंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको मिस ना हो और अच्छे से आप फॉर्म भर पाएँ। तो आप भी जानते हैं, देखिए आप नहीं जानते पर यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, आप अगर एक बार फॉर्म में गलती करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होता है आप सभी के लिए कि बार बार उसको चेंज करिए, एडिट करिए इस तरह से। तो आप एक ही बार अच्छे से भरेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर, जिसका बात ऊपर में किया गया है कि क्या क्या आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पास्ड 10+2। ठीक है, 10+2 यानी 10+2 मतलब 12th क्लास होता है भैया। ठीक है, और क्या चीज़ है कि आपका इन सभी सब्जेक्ट में, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक में आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें अगर आपका सब्जेक्ट था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी तरह से एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, इस तरह से आपका अगर था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी बेसिकली वैसे स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके मेनली सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना ही कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका फिर आपका कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी ये सब नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर है यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप, अगर आपके में है तो आप भर दीजिएगा। ठीक है, अब जो 10+2 यानी 10+2 साल का ITI जो स्टूडेंट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि 10+2 वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, जितना ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आपने इन सभी सब्जेक्ट में आपका कोई सब्जेक्ट होगा तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि 10+2 जो बच्चे 10th करके ITI करते हैं, ठीक है, ITI करते हैं, वैसे स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बस शर्तें क्या है कि आपको, आप किसी भी ब्रांच में अगर ITI किए हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट पढ़ना है क्या कि, ठीक है, ये सब फॉर्म को जो स्टूडेंट अपीयरिंग में भी हैं, अपीयरिंग, ठीक है, अपीयरिंग मतलब जो स्टूडेंट अभी 2023 में आप 12th दिए हैं या ITI का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, या देंगे, तो वैसे स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 12th का, या जो अभी देने वाले हैं या दिए हैं 2023 में, वो भी भर सकता है, और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी भर सकते हैं। बस उनको क्या शर्त, एक कि आपका जब एडमिशन होगा, ठीक है, साक्षात्कार की तिथि के पूर्व उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो नामांकन योग्य समझा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपके पास आपका मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए यानी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम, तब आपका एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर होगा भाई। अब आगे करते हैं, यहाँ पे देखिए ख नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ कि 2 वर्ष से कम ITI, जो स्टूडेंट ITI बीच में छोड़ दिए हैं, ठीक है, आज 2 वर्ष से कम ITI है आपका, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, ग नंबर में यहाँ पे है कि AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, यानी जो भी AICTE की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बनाया जाता है, ठीक है, जो भी मानदंड बनाया जाता है, तो इसको आप जो भी चेंजिंग होगा उसके रिलेटेड आपको JCCB इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी अर्हताएँ, शर्तें, आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन का भरने का तरीका, आपको सब आगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। आपको डाउनलोड कॉलम में जाना है होम पेज पे, उसके बाद डाउनलोड कॉलम में जाना है, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे मिल जाएगा कि क्या क्या आपको क्या आपका सिलेबस वगैरह है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से ज्वाइन होकर रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ सिलेबस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्म कैसे भरना है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि फॉर्म भरने का किस तरह से आपको
क्या क्या कौन कौन सा डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका फॉर्म भराना है, कब आपका फॉर्म भराना बंद हो जाएगा और कितना पैसा लगेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी एप्लीकेशन डेट आपको कब होगा। देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, क्या कितना तारीख है, 25 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, 25 फरवरी से, और ये चलेगा कितना तारीख तक, आपका 20 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, 20 मार्च तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन कितना तारीख को होगा, वो आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा, यानी 16 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, और कहाँ पे होगा, आपका रांची सेंटर में होगा, रांची जो जिला है वहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटर दिए जाएंगे, वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा भैया, एडमिट कार्ड आपका जैसे 16 तारीख को एग्ज़ाम है ना, 16 को एग्ज़ाम है तो आपका 12 तक, यानी 4 दिन पहले, 4 दिन पहले। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, फी क्राइटेरिया क्या होगा, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। परीक्षा शुल्क का अगर यहाँ पे देखा जाए और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला, परीक्षा शुल्क में सबसे पहला बात, मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मेल नहीं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, बी नंबर वाले। ठीक है, ले फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो भी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, या फिर आप एससी से हैं या एसटी से हैं, तो आपका कितना लगेगा, 325 रुपये लगेगा। फीमेल सुन लें कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका जाति कुछ भी है, ठीक है, जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, तो आप इस आपका जो फी लगेगा वो आपका 325 रुपये लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल कैंडिडेट अगर आप जनरल कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी1 बीसी2 जिसको हम लोग ओबीसी कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, अगर आते हैं तो आपका, यानी तीन कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, आपका 650 रुपया लगेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट एससी एसटी से आते हैं तो उनका 325 रुपया लगेगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या बीसी1 बीसी2 सी को बोलते हैं, तो उनका कितना लगेगा, वो आपका 650 रुपया लगेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन सभी का मेल कैंडिडेट 325 रुपया लगेगा। ठीक है, ये था मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए बता दिया, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 325 रुपया ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिए। अब एग्जामिनेशन किस तरह से होगा इसके बारे में बात करते हैं भैया। देखिए एग्जामिनेशन का बात अगर करें तो एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड सीट पे होगा। ठीक है, ओएमआर सीट होता है एक नाम का, उस पर आपको क्या करना पड़ता है, बस गोल गोल करना रहता है जिस पे आपको सही आंसर होगा उस पे। ठीक है, सपोज एक नंबर का कोई आंसर है होगा आपका, मान लीजिए ए को ऑप्शन दिया, ए बी सी डी, ठीक है, आपका जो सही आंसर है उसको बस आपको सर्कल करना रहता है, ठीक है, गोल करना रहता है। ओके, ये होता है ओएमआर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपका जो मीडियम होगा वो आपका दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एग्जामिनेशन पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 7 नंबर की बात करें तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको वेबसाइट के थ्रू आपको मिलते रहेगा, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी सीट मैट्रिक्स वगैरह या कोई जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिलते रहेगा, और जो भी नोटिफिकेशन अगर आएगा जेसीई सीईबी के तरफ से तो आपको हमारे चैनल पे अपडेटेड मिलेगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।